टू एडूहॉलिक। आज हम यूपीएससी 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज, ऑप्शन दिया गया है ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन एंड सच दैट नथिंग कैन बी क्लेम्ड डेफिनेटली। तो चलिए हम अगर एक फ्रैक्शन लेके देखते हैं, सपोज अगर a अपॉन b है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉपर पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, सपोज हमको x ले लेते हैं, तो दोनों में अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर प्लस करते हैं उस नंबर को, तो ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग a अपॉन b में सपोज 1/2 ले लेते हैं, 1/2 एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/2। अब 1/2 में अगर हमने कोई भी एक नंबर ऐड किया, सपोज हम लोग ऐड करते हैं 4 + 4, सो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख के देते हैं, सो इसको डिवाइड कर देते हैं 1/2 को, सो क्या होगा 0, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 -0, 0, सो क्या आ गया 0.5 आ गया 1/2। अब 5/6 को देख लेते हैं, 6 × 5, सो 0, यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, सो क्या आएगा 6 × 8 = 48 माइनस यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे सिर्फ पॉइंट है, तो 0 लग जाएगा यहाँ पे, सो क्या आएगा 6 × 3 = 18, सो यहाँ पे 3 का चलते रहेगा कंटिन्यूस। सो अभी डिफरेंस क्या है, देखो जो 1/2 था वो क्या होगा 0.5 हो गया, एंड 4/6 क्या होगा, ये किसके इक्वल हो गया, और ये जो है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है 0.833। जब हम देख रहे हैं, जब 1/2 था तो उसकी वैल्यू भी ये आई थी, जिसमें हमने +4/4 ऐड किया, तो इसमें कन्वर्ट हो गया 5/6 में, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और क्या हो गया 0.833 हो गया। सो हमें क्या देखा कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है जिसमें अगर सेम पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें ऐड कर दिया जाए जो ग्रेटर देन 0 है, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या आता है, जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है उससे क्या होगा, वो इंक्रीज ही रहेगा, क्या रहेगा, इंक्रीज। सो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर